नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आप सबने स्टार वार्स की सीरीज तो जरूर देखी होगी। शायद ही आप लोगों को पता हो कि ये अब तक की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी में से एक है। आउटस्टैंडिंग विजुअल्स, माइंड ब्लोइंग एक्शंस, इस पूरी सीरीज में ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो एकदम से दिमाग हिला कर रख देती हैं। वैसे सीरीज को लेकर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है और कहाँ जाके कनेक्ट होती है। इस बारे में हम फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। स्टार वार्स की सीरीज में टोटल 9 फिल्में हैं, जिसे द स्काईवॉकर सागा के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं में से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की गई है, द मैंडलोरियन। यह स्टार वार्स सीरीज का एक स्पिन ऑफ है, जिसके क्रिएटर है जॉन फेवरो। जी हाँ, वही जॉन फेवरो जिन्होंने इससे पहले द जंगल बुक बनाई थी और MCU की मूवी में पेपर पॉट्स के जूनियर असिस्टेंट का रोल प्ले किया था। यह स्टार वार्स फ्रेंचाइजी की फर्स्ट लाइव एक्शन सीरीज है। इसे 12 नवंबर 2019 को डिज्नी प्लस पर रिलीज किया गया था। इसकी कहानी द स्काईवॉकर सागा के द रिटर्न ऑफ जेडाई और द फोर्स अवेकेंस के बीच बनाई गई है, जहां हम देखते हैं कि द मैंडलोरियन, जो कि एक बाउंटी हंटर है यानी एक सुपारी किलर, ये बहुत ही चालाक है। इसे चूतिया बनाना आसान नहीं है। वो अपने मिशन के मुताबिक लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारता है और बदले में उसे इनाम के तौर पर एक बेस्कर नाम का एक मेटल दिया जाता है। उसके लिए पैसों से भी ज्यादा कीमती है। फिर एक दिन उसे एक मिशन दिया जाता है। उसे यह ऑर्डर हाई कमांड के द्वारा मिलता है और उसे बताया जाता है कि यह बहुत ही जरूरी है। तो अपने काम के मुताबिक वो उसे वहां मारने को पहुंचता है, लेकिन जब वो उसे देखता है ना, तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल उसे एक बच्चे को मारने का काम दिया गया था, जो कि बेबी योडा था। मैंडलोरियन को बेबी योडा पर तरस आ जाता है और वह उसे लेकर वहां से भाग जाता है। बस यहीं से शुरू होता है इस सीरीज का सारा बवाल, क्योंकि ऐसा करके उसने एक विद्रोह कर दिया था। उसे गद्दार साबित कर दिया जाता है और पूरे यूनिवर्स में जितने भी बाउंटी हंटर फैले थे, उन सबको मैंडलोरियन की सुपारी दे दी जाती है, जिंदा या मुर्दा। तो क्या वह बेबी योडा और अपने आप को इस लफड़े से बचा पाता है या नहीं, इस जर्नी में उसे क्या क्या खोना पड़ता है और क्या क्या पाता है वो, यह जानने के लिए आप इस मास्टरपीस सीरीज को जरूर देखिएगा। यह सीरीज बेशक तारीफ के लायक है। इसके मेकर्स ने कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है और उसमें ये पूरी तरह से सक्सेसफुल भी रहे हैं। यह सीरीज हमारा दिल जीतने में पूरी तरह से कामयाब रहती है। फिर चाहे वो इसकी स्टोरी हो, एक्शन हो, VFX हो, इसका BGM, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, सब कुछ टॉप लेवल का है, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ इसके राइटर और क्रिएटर जॉन फेवरो की भी तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने इसे बनाया है। एक भी मिनट आपको बोर नहीं होने देगी। मैं इसका कोई स्पॉइलर तो नहीं देना चाहता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि सीरीज में सबसे ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग चीज है तो वो है बेबी योडा। ये इतना ज्यादा क्यूट और मासूम है ना कि आपको इस पर देखकर दया आ जाएगी। इसका पूरा क्रेडिट जाता है इसकी VFX टीम को, जिसने इसे बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया है। जिस तरह मार्वल के बेबी ग्रूट ने सबका दिल जीत लिया था, ठीक उसी तरह बेबी योडा भी आपका दिल जीत लेगा। अब भाई, मैं इस सीरीज के बारे में बहुत सी बातें बताना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, वो सब स्पॉइलर में आ जाएगा। बेबी योडा भी उनमें से एक था, लेकिन फिर भी उसके बारे में तो बताना पड़ा, क्योंकि ये पूरी कहानी मैंडलोरियन के साथ साथ उसे भी ध्यान में रखकर बनाई गई है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सबने अपना रोल को पूरी तरह से जस्टिफाई किया है, खासकर द मैंडलोरियन का कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को प्ले किया है पेड्रो पास्कल ने, जिन्होंने अपना 100% दिया है और वो हमें साफ साफ दिखाई भी देता है। भले ही उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन हमें देखने को ना मिलता हो, क्योंकि इस पूरे सीरीज में उन्होंने हेलमेट में ही नजर आए हैं, जिस वजह से हमें उनका एक्सप्रेशन उनके एक्शन से ही समझना पड़ता है, जो कि वाकई काफी इंटरेस्टिंग बात है। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 30 से 40 मिनट का है, तो बोर होने का कोई सवाल ही नहीं है। एक बार जब आप इसकी स्टोरी से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको भी ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। तो अगर आपने इस बेहतरीन स्पिन ऑफ को देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी और इसके कौन से कैरेक्टर ने आपको ज्यादा अट्रैक्ट किया। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।